बाहू। पर वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी चेक कि क्या आप में फिल्म सेंस वाला कीड़ा है या नहीं। सो टेल मी कि इस पिक्चर में कैट मतलब बिल्ली कहाँ है। जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में बताओ। अगर नहीं देखी तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसका आंसर मैं वीडियो के एंड पर ही बताऊंगा। एंड नाउ लेट्स गो टू बाहुबली। अ ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ 2015, जिसे देखकर हर बंदे ने सोचा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। द आंसर इज गलती से। हाँ भाई, राजमाता से वफा के चक्कर में ना कोई इन्वेस्टिगेशन की और सीधा ही बाहुबली से बेवफाई कर दी कटप्पा ने, और रीजन था गलत फहमी। इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे माँ? कटप्पा चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब ये मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। बाहुबली द बिगनिंग बाय द डायरेक्टर SS Rajamouli, जिन्होंने बाहुबली के बाद इतना पैसा बना लिया कि शायद अब कुछ और ना ही बनाए। ब्रिंग्स यू अ मूवी जिसमें एक औरत एक प्लास्टिक के गुड्डे को बचाने के लिए खुद पानी के अंदर जाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी रही। आई मीन लिटरली, ये आंटी खुद पानी के अंदर गई है। बाहर रहती तो खुद भी बच जाती और बच्चा भी बच जाता, क्योंकि पानी का लेवल नीचे ही है इनसे। और पानी में इतने घंटे रहने के बाद भी उनका खड़ा रहा हाथ, और इनका हिल भी रहा है हाथ, मतलब ये जिंदा थी। बट दिस गाय वाज लाइक बच्चा उठाओ और आंटी जाए तेल लेने। विटनेस द सैडेस्ट स्टोरी ऑफ शिवा, जो गलती से ऐसे गांव में चला गया और बड़ा भी हो गया जहां एक इत्तू सी लड़की भी नहीं है। आई मीन इस ट्राइब में 70-80 आदमी लोग हैं, पर फीमेल सिर्फ दो ही हैं, और वो भी आंटी हैं। अबे तभी मैं कहूँ इस ट्राइब में बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। इस वजह से शिवा इतना अल्ट्रा प्रोमैक्स सिंगल है कि उसे मखोटा भी मिला तो उसने लड़की का फेस बना डाला, जबकि यहाँ लड़के भी वही मखोटा पहन रहे हैं। इतना सिंगल है कि लड़की को इमेजिन भी करता है, तो इसका उतावलापन देखकर वो काल्पनिक लड़की भी इससे दूरी भाग रही है। शिवा जैसे ही रियल लड़की देखता है तो इसके अंदर का शक्ति कपूर जाग जाता है। अब जबरदस्ती जो हाथ में आता है वो उतार ही जा रहा है, क्योंकि वो अब देखना चाहता है जिसका उसे बचपन से इंतजार था, अ गर्ल विद मेकअप। क्योंकि सीरियसली सिर्फ दो ही आंटियां थी इसके ट्राइब में, और वो भी गंदी मंदी फिरती रहती थी। मतलब ट्राइब में कोई लड़की नहीं थी, पर शिवा को फिर भी पता है कि कहाँ लिपस्टिक लगानी है और कहाँ काजल लगाना है तो लड़की प्यारी लगेगी। रिसर्च पूरी की हुई है लोंडे ने। बट शिवा इज डेंजरस, शिवा इज पावरफुल, पर सैडली मरना तो हर किसी ने है ना। ना इस तलवार से उसका लिटरली पीछे से कपड़ा तक नहीं फटा तो वो क्या घंटा मरेगा। इसका तो किसी तलवार से खून भी निकले तो दूसरे सेकंड में वो खून भी गायब हो जाता है। नीट कटप्पा, जो अपनी जवानी के दिनों में भी उतने ही बूढ़े हुआ करते थे। हाँ बस दाढ़ी पर काला कोला लगा लिया, पर फिर भी सीरियसली 21 साल का लोंडा, वो भी ऊपर से जोनी भैया। बट यू आर नॉट द ओनली वन जो ये सोच रहा है। शिवा ने भी कटप्पा से पूछा कि आप जवानी में गंजे क्यों थे, तो उन्होंने ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर एवरीवन विल बी शॉक्ड। तुम्हारी हूँ मैं, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी उसने। तुम्हारी हूँ मैं, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी उसने। भरी जवानी में बाल झड़ने लगे, लगता है झूठी कसम खाई थी उसने। कटप्पा की स्पेशलिटी है कि ये किसी भी तलवार को देखकर उसकी मजबूती और रफ्तार का बता सकते हैं। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। मीनवाइल कटप्पा की तलवार मुझसे टकराना होगा। अबे इससे मजबूत तो मेरी प्लास्टिक की तलवार है। कटप्पा इज कंफ्यूज्ड, कटप्पा इज एक्स्ट्रा वफादार। पहले ये देवसेना को कहता है, मां देवसेना आप आज्ञा दे तो बेड़ियां तोड़कर आपको मुक्त कर दूं। मान चाहिए माँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। पर देवसेना को जब कोई छुड़ा कर ले जाए तो उसे वापस लाकर कैद में डालने के लिए भी यही भागता है। इसके हाथ पैर कट भी जाए। जी युवराज। इतने वफादार हैं कि पहले बाहुबली को मारा, फिर बाद में कह रहे हैं नीच। मैं हूं। इतने वफादार हैं कि गद्दार को भी बुल उड़ाने लगे तो रेड बुल पी के खुद आगे आ जाते हैं। अबे यार हमें पता है कि ऐसे बलाल देव नहीं मरेगा, पर एटलीस्ट आगे आकर बचाओ तो ना सही ना। कटप्पा की पूरी बॉडी काली है, पर कटप्पा का एक ही ऐसा बॉडी पार्ट है जिसका रंग गोरा है, इनका पैर। अरे अंकल कौन सी क्रीम लगाते हो आप पैर पर, हमें भी बता दो यार। So get ready to watch the original Kattappa water slip that he copied from Shahrukh Khan.
witness the brutal battle between Kattappa and Shiva, जिसे देखकर आप सब सोच में पड़ जाओगे कि साला एक मिनट पहले धूप निकली थी, फिर एकदम रात हो गई और इतनी तेज बारिश हुई कि कट्टप्पा बच्चों की तरह स्लिप मारते फिर रहे हैं, और फिर एकदम दिन भी हो गया और ये मट्टी इतनी सूखी हुई है जैसे दो दिन से यहाँ कोई बारिश ही नहीं हुई। And let me tell you one thing clear. कि ये सब 10 मिनट के अंदर अंदर ही हो रहा है। But Shiva is इतना खतरनाक कि इस बंदे को मारने के लिए इसके पीछे पड़ा हुआ है with a piece of thermocol. Wait, what? Meet the biggest and the baddest villain of decade, Balaldev. Balaldev से टकराना है तो एक नहीं, 10 सांड बुलाने पड़ेंगे। Look who's talking. जोनी भैया का सबसे बड़ा फैन। A story of Shiva saving Devsena. जो नहीं जानता कि Devsena कौन है। Devsena कौन है मैं नहीं जानता। और आते साथ ही he's like, मैं आपको छुड़ाने आया हूँ माँ। Wait what? मैं आपको छुड़ाने आया हूँ माँ। भाई कुछ देर पहले तो तू कह रहा था। Devsena कौन है मैं नहीं जानता। पर शिवा के यहाँ से जाने के साथ साथ अवंतिका की आवाज भी साथ ही चली गई, क्योंकि लिटरली इसके बाद से लेकर बाहुबली 2 के कंक्लूजन के एंड तक एक वर्ड भी नहीं बोला अवंतिका ने। आई मीन व्हाई सो साइलेंस अवंतिका? अ मूवी विद हाई बजट ऑफ वीएफएक्स। बस इस सीन में चूस मारती बैकग्राउंड में पेंटिंग लगाकर और कार्डबोर्ड का ट्री बनाकर जो कि क्लियरली फेक ही लग रहे हैं। सो गेट रेडी टू नो द मिस्ट्री ऑफ शिवा। मैं हूँ कौन? फिर कट्टप्पा उसे आराम से एक्सप्लेन करेंगे कि वो बेटा है ऐसे महाराज का जिसकी नजर बाज से भी तेज थी, कैसे इसके पिता ने इसकी माँ को सेट किया। बेटे माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह। कैसे एक महावीर महाराजों के महाराज नाच रहे हैं नोरा फतेही के साथ। नहीं सीरियसली, यहाँ इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और कट्टप्पा शिवा को बता रहे हैं कि बाहुबली ने कैसे नोरा के साथ डांस किया। डारिंग, गरीबों के एक्वामैन, लड़कियों की थोर। जैसे जितना मर्जी मेकअप कर दो पर इसे गंदा रहना ही पसंद है। अ हॉर्स विद एबीएस ब्रेक्स, क्लास की लंबी लंबी छोड़ने वाला लड़का। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले, एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। जब आप अपने दोस्त से उसका वाईफाई पासवर्ड पूछो। निम्टा डोजरस टेल मी मोहिनो जुकु लोहाक्वे अ मास्टर बेशरम। डोंट फॉरगेट टू वॉच बाहुबली द बिगनिंग। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो में से अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट्स में बताओ, और मैं बताता हूँ आपको कि इस पिक्चर में बिल्ली कहाँ थी। मियाओ मियाओ।